बसमिल्लाह। हम मुसलमानाने कन्नौज इस बात पर बड़ा गमगीन है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात पर बड़ा गमगीन है कि स्वीडन की सरजमीन पर ईद उल अज़हा के दिन कुरान पाक के साथ जो इहानत की गई है, जो कुरान पाक की तौहीद की गई है, इससे हमें बड़ी तकलीफ़ हुई है, क्योंकि हम इस कुरान मुकद्दस को अपनी जानों से ज़्यादा प्यार करते हैं। कुरान मुकद्दस हमारी जान से भी ज़्यादा हमें बात प्यारी है, हमारे नबी हमारे जान से ज़्यादा हमें प्यारे हैं, हमारा दीन भी हमें जान से ज़्यादा प्यारी है प्यारा है। अगर हमारे दीन पर, हमारे कुरान पर, हमारे नबी पर कोई आँच आती है तो फिर हम मुसलमान अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। हम भारत के नागरिक होने के नाते अपनी भारत की गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि हमारी भारत की गवर्नमेंट स्वीडन की गवर्नमेंट से अपने ताल्लुकात को मुनक़ते करें, या उन्हें तलब करके, उनके सफ़ीर को तलब करके, उनके एम्बेसडर को बुला करके उनसे कहें कि अब स्वीडन में दोबारा कभी ऐसी हरकत ना होने पाए और जिस बदबख्त ने ये किया है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि कुरान मुकद्दस से किसी भी तरह से हम खिलवाड़ देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी जानों से भी ज़्यादा ज़रूरी, जानों से भी ज़्यादा अजीज़ है और हम इसे अपनी जानों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और मुसलमानों से भी हम इसे अपील करेंगे, गुजारिश करेंगे कि सब लोग कुरान पाक को अपने घरों में सिर्फ सजाएं ना, बल्कि पढ़ें और तिलावत करें और अपने बच्चों को सिखाएं। हुजूर ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अल्लाह ताला हमें सबको कुरान की मोहब्बत में ज़िंदा रखे और इसी पर मौत अता फरमाए। आमीन।